सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम वीरू और मैं बताने वाला हूँ कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। अगर आप कोई भी नया थंबनेल बनाना चाहते हैं तो उसको किस ऐप से बनाना चाहिए। अगर आप कोई भी थंबनेल बना रहे हैं तो अगर आपने थंबनेल सही नहीं बनाया है तो आपके वीडियोज़ पे व्यूज़ और इंस्पिरेशन अच्छे तरीके से नहीं आएंगे, ना ज़्यादा आएंगे। और व्यूज़ लाना चाहते हैं तो थंबनेल अच्छे से बनाना सीख लीजिए। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यूवर्स हो या फिर सब्सक्राइबर हो तो वो सबसे पहले आपके थंबनेल पे क्लिक करता है, सबसे पहले आपके थंबनेल को देखता है। थंबनेल की वजह से आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वही बढ़ता है। तो आज हम वीडियो में चलते हैं, यही बताते हैं कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है और कौन से ऐप से बनाया जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और कमेंट कर दे, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। इसमें देखिए नीचे दिया गया इंस्टाग्राम फ़ोटोज़, योर स्टोरीज़, लोगोज़, फेसबुक पोस्ट्स, प्लेयर्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज़, पोस्टर्स, उसके बाद है मोबाइल वीडियोस, इनविटेशंस, टी शर्ट, थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल। ये काफ़ी सारे इसमें फ़ीचर्स दिए गए हैं। तो हमने बनाना क्या है, यूट्यूब का थंबनेल, ठीक है। यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो सबसे पहले हम ये देखिए हमने बनाई हुई है एक पहले से फ़ोटो ऐसी। आपने जो भी फ़ोटो क्लिक करनी है आपने सबसे साइड में होके क्लिक करनी है, ताकि बाकी जो साइड में रहे उस पर हम कुछ लिख सकें, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए जो हमने फ़ोटो बनाई हुई थी उसको अपलोड कर लेंगे कैनवा ऐप में। कैनवा ऐप में अपलोड करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जो ये प्लस का निशान है उस पर क्लिक करेंगे। इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं तो एलिमेंट्स पर हम क्लिक करेंगे। एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एरो, लाइन, सर्कल, स्क्वायर, हर्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लाइन पे क्लिक करेंगे। लाइन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे शेप्स आ जाएंगे, ग्राफिक्स आ जाएंगे, फ़ोटोज़ आ जाएंगे, वीडियोस आ जाएंगे। इसमें से जो भी हमको चाहिए होगा उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमको यहाँ से बस जो एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं वैसी हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो शेप्स हैं इसमें से कुछ जो लाइन्स हैं इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें काफ़ी सारे लाइन्स दिए गए हैं, ग्राफिक्स दिए गए हैं, वीडियो दिए गए हैं। अगर आपको जो भी इसमें से चाहिए होगा आप अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये, वापस हम यहाँ पर आ जाएंगे। ऑल पे क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा हम स्ट्रेट लाइन पर क्लिक करेंगे। स्ट्रेट लाइन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए काफ़ी सारे नीचे दिए गए हैं फ्रेम्स दिए गए हैं, शेप्स दिए गए हैं, ऊपर जो है ये फ़ोटोज़ दिया गया है, फ़ोटोज़ के ऊपर दिया गया है, ये देखिए फ़ोटोज़ के ऊपर दिया गया है। इस पर हम जो ऑल है उस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए ये वाली जो लाइन है हमने क्लिक कर ली। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद हमको देखिए ऐसे ही हमको दो तीन लाइनें बनानी है, ठीक है। अगर हम दो तीन लाइनें बनाएंगे तभी उस पर हम लिख पाएंगे कि हमको क्या लिखना है, क्या बनाना है। एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से जहाँ पे हमको चाहिए होगा, ठीक। उसके बाद हमको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए फिर यहाँ से हमको कॉपी कर लेना है ऊपर जो उसकी वीडियो दिया है वीडियो में, ये देखिए फिर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर इसके बाद हमको अब लिखना है इस पर। अब लिखने के लिए हमको जाना पड़ेगा टेक्स्ट में। ये देखिए वापस हम आ जाएंगे। वापस आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेंगे। इसमें काफ़ी सारे जो दिए होते हैं ये देखिए रिसेंटली यूज्ड फॉन्ट, काफ़ी सारे ऐसे फॉन्ट दिए गए होते हैं, फॉन्ट की डिज़ाइन दी गई होती है जो बहुत ही अच्छी अच्छी होती है, जिससे एक खूबसूरत थंबनेल बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको जो ये पहले से दिया होता है लिखा हुआ तो उसको हमने हटा देना है, ठीक है। उसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद फिर हमने यहाँ पे अब अपना जो लिखना है उसको लिख के, ठीक है, थंबनेल यहाँ पे हम लिख लेंगे थंबनेल। थंबनेल लिखने के बाद हमारे पास ये देखिए इसको हम एडजस्ट कर देंगे जो हमारे पास लाइंस दी गई हैं, ठीक है, थंबनेल। उसके बाद फिर हमको आ जाना है बैक। आने के बाद बैक आने के बाद हमको नीचे वाली लाइन पे भी लिखना है। प्लस पे जाएंगे। प्लस पे जाने के बाद यहाँ से फिर कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कलर हम इसका अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स दिए गए हैं जिससे अब पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लैक दिया गया है उसके हिसाब से हमको ये चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमको ये सबसे पहले
यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सारे जो कलर हैं अपने अकॉर्डिंग जो उस पर अच्छा लगेगा वही हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए नेवी ब्लू जो है कलर अच्छा इस पर दिख रहा है ताकि सबको पता चल सके कि हाँ ये क्या बनाया गया है। तो उसके बाद हमने फिर जो नीचे सेकंड वाली लाइन है उस पर हमने लिखना है। तो थंबनेल हो गया, तो अब इसके बाद जो इस पर लिखा हुआ था इसको हटाने के बाद हमको लिखना है थंबनेल। थंबनेल हो गया ना, थंबनेल के बाद हमने लिखना है कैसे, इसको हम थोड़ा हिंदी में कर लेंगे ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा भी लगेगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो हमने लिख लेना है कैसे, थंबनेल कैसे हो जाएगा ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेंगे इसी पे थंबनेल कैसे। उसके बाद हमने फिर प्लस पे आ जाना है, प्लस पे आने के बाद हमने फिर इसका कलर चेंज करना है। इसका भी कलर आप मतलब जो भी आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं जो भी सेंटेंस लिखते हैं उसका आप आराम से इस पर कलर चेंज कर सकते हैं, आप कोई सा भी कलर से इसमें से ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो कैसे लिखा गया इसको हम चेंज कर लेंगे कलर इसका। उसके बाद अगर आप जो तीसरा वर्ड लिखने जा रहे हैं उसका भी अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है कलर चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए इसमें दिया गया है काफ़ी सारा, इसमें अल्फ़ाबेट दिया गया है, उसके बाद ये देखिए डिज़ाइन दिया गया है, आप कोई सा भी डिज़ाइन इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ये वाओ, इसको हम करते हैं रीनेम ठीक है। अब इस पर हम लिखेंगे बनाएं ठीक है, इसको करेंगे हिंदी में, पहले थंबनेल हमने लिख लिया फिर लिख लिया कैसे, अब लिखेंगे बनाएं थंबनेल कैसे बनाएं ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसको हिंदी में कर लेते हैं ठीक है। हिंदी में करने के बाद इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसका तो ना कलर हमको चेंज करना है ना इसका फॉन्ट कुछ चेंज करना है ठीक है। तो हमने इसको बस यहाँ पे जो दिया गया है एरो जो लाइन दी गई है स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर हमने इसको सेट कर देना है ठीक है। सेट करने के बाद हमको अब ये एक और थंबनेल लगाना है ताकि पता चल सके कि इसमें हमने क्या बताया है, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि हमने जो थंबनेल बनाया है वो कैसा है। तो थंबनेल कैसा बना हुआ है वो भी दिखाना है और थंबनेल कैसे बनाना है वो भी बताना है ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो पहले से बनाया हुआ है थंबनेल एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे वापस आ जाएंगे अपने कैनवा ऐप में जहाँ हमने बनाया हुआ है ठीक है, वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे आने के बाद हमको कर लेना है थोड़ा सा प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रोसेसिंग चलने के बाद ये देखिए हमको थोड़ा सा इसको अब छोटा कर लेना है, छोटा करने के बाद हम इसको ऊपर कर लेंगे, बाकी जो नीचे इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेंगे। ये जो पहले दिया गया नीचे बनाए इसको पहले कर लेते हैं, पहले एरो लाइन को कर लेंगे, ओ सॉरी स्ट्रेट लाइन को कर लेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन को हम कर लेंगे थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा साइड में और थोड़ा सा छोटा ठीक है। और इसके ऊपर जो हमने लिखा हुआ है बनाएं इसको एडजस्ट कर लेंगे ठीक। अब उसके बाद इससे ऊपर थोड़ा सा जो सेंटेंस है कैसे इसको नीचे कर लेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन को नीचे कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन को नीचे करने के बाद हमारे पास अब दिया गया है जो ऊपर थंबनेल ठीक है, अभी हम इसको भी कर लेंगे थंबनेल। अब ये तीनों एक लाइन में है तो थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट करेंगे डिफरेंट तरीके से, तो अब थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे ताकि देखने में और भी अच्छा खूबसूरत लगे ठीक है। यहाँ से ये हमारा अब ये कंप्लीट हो गया है ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद हमको थोड़ा सा ये जो दिया गया है हमारा थंबनेल पहले से बनाया गया है इसको थोड़ा सा कुछ सेट कर देते हैं ठीक है। इसी तरह आपको ये कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि और भी हम क्या यहाँ पे एलिमेंट्स या फिर डिज़ाइंस लगा सकते हैं। उसके अलावा भी आप कुछ भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा के अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिंपल में बताया है कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ये देखिए टेम्पलेट दिया गया है, स्टाइल दिया गया है, तो इसमें से हम कुछ ये देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या सिलेक्ट करने लायक है जिससे थंबनेल और अट्रैक्टिव लगने लगे। तो ऊपर दिया गया है स्ट्रेट लाइन जो उसको हम हटाएंगे, सबसे पहले हटाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे क्या, यहाँ पे हम कर लेंगे सर्कल यूट्यूब कर लेते हैं, यूट्यूब कर लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले देखते हैं कि और कुछ है, हार्ट, हार्ट में कुछ लगाने लायक है, आर्ट में कुछ लगाने लायक तो अभी दिख नहीं रहा है इसमें कि जो थंबनेल में लगाया जा सके ठीक है। तो यहाँ से हम
थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं, देखते हैं कुछ है, कुछ ऐसे तो नहीं दिख रहा है। तो इसको हम करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं YouTube का लोगो लगा लेते हैं कोई सा, इसमें दो तीन दिया गया है तो एक छोटा सा लोगो लगा लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके एक साइड में लगा देंगे ताकि जिससे और भी अच्छा लगने लगे हमारा थंबनेल। तो इसी तरह आपको भी अपना जो थंबनेल है बनाना है, ठीक है, आपको अपना थंबनेल बनाना है। और अगर आपका जो थंबनेल है अट्रैक्टिव रहेगा तभी आपका जो क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। फिर उसके बाद ये देखिए कंप्लीट होने के बाद हमने सेव कर लिया है, सेव करने के बाद ये सीधा हमारे गैलरी में आ जाएगा कैनवा ऐप। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आप किसी भी वीडियो पे और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हम उस वीडियो पे अच्छे तरीके से सर्च करके या फिर हमको आता हो तो उसके ऊपर वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकें और आप भी उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सकें। तो थैंक यू।